हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालासोर की तरफ से रिक्वायरमेंट 2020 का निकल चुका है। स्टाफ नर्स, पैरामेडिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी पोस्ट निकल चुका है। इसका फुल नोटिफिकेशन वीडियो में बताने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th नर्सिंग ANM GNM, सैलरी आपको पर डे दिया जाएगा 612 रुपये करके। टोटल वैकेंसी की बात करते तो 223 पोस्ट दिया जा रहा है। सो ऑल इंटरव्यू रहेगा आपको इसमें, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसका ऑफिशियल PDF पेज में आ चुके हो। ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालेश्वर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। पब्लिकेशन डेट आपको यहाँ इन व्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ COVID-19 के लिए आपको यहाँ जॉब दिया जाएगा। कोरोना वायरस पॉजिटिव जो भी है उनके लिए आपको यहाँ गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ओडिशा भुवनेश्वर की तरफ से निकाला गया है। इसका इंटरेस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू में जा सकते हो। इन इंटरव्यू आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है उसका। पैरामेडिकल पोस्ट एंड फकीर मोहन कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालेश्वर में आपको किया जाएगा। इसका एंगेजमेंट की देख सकते हैं। दो एंगेजमेंट इच कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेजेस बेसिस रहेगा। आपको एंगेजमेंट पीरियड इच 30/6/2020 तक ही आपको रहेगा। ड्यूरिंग ऑफ भी एक्सटेंशन किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। स्टाफ नर्स दिया गया है, इसमें आपको 162 पोस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डेली के आपको 612 रुपये। और इंटरव्यू डेट आप 3/4/2020 से 4/4/2020 तक किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कहाँ कैंपस इसका रहेगा। वेन्यू फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन रेवेन्यू बालेश्वर में भी आपको किया जाएगा। उसके बाद पैरामेडिस्ट भी देख सकते हैं, 20 पोस्ट दिया गया है। इसमें भी 612 रुपये दिया गया है। इसमें भी 3/4 अप्रैल आपको यहाँ इंटरव्यू रखा गया है। 11 AM to 4 PM आपको यहाँ दिया गया है। उसी तरह लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी देख सकते हैं, 34 पोस्ट दिया गया है। इसमें भी 612 रुपये पर डे आपको। इसमें भी 3/4/2020 को आपको इंटरव्यू है। इसमें भी 11 AM to 4 PM तक रहेगा फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज बालेश्वर में। उसी तरह रेडियोग्राफर की बात करें तो 7 पोस्ट दिया गया है। इसमें आपको 552 रुपये पर डे दिया जा रहा है। इसमें 3/4/2020 को ही किया गया है। इसमें भी 11 से 4 PM तक आपको फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू किया जाएगा। उस तरह यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफाइंग एंड एक्सपीरियंस में कम विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी मांगा गया है सब आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा नर्सिंग GNM AICT अप्रूवल इंस्टीट्यूट रहना चाहिए। उसके बाद +2 एनी डिसिप्लिन सब्जेक्ट किसी भी ट्रेड से किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट किए तो आप +2 सर्टिफिकेट रहना चाहिए। GNM रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रहना चाहिए। HSC सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फोटो ID प्रूफ, वोटर ID, आधार, पैन कार्ड रहना चाहिए। उसी तरह एलिजिबल क्राइटेरिया सर्टिफिकेट एंड रिक्वायर्ड पैरामेडिस्ट में देख सकते हैं। डिप्लोमा बैचलर इन फार्मेसी फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रहना चाहिए। उसके बाद +2 साइंस रहना चाहिए। उस तरह फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑडिशन रहना चाहिए। उसके बाद 10th इक्विवेलेंट भी रहना चाहिए। फोटो ID प्रूफ, वोटर ID, आधार, पैन कार्ड रहना चाहिए। उस तरह एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर LD के लिए आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल कॉलेज ओडिशा रहना चाहिए। उसके बाद +2 साइंस सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट DMLT रजिस्ट्रेशन ओडिशा HSC और इक्विवेलेंट रहना चाहिए। फोटो ID, वोटर ID, आधार, पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। उसी तरह एलिजिबल क्राइटेरिया रेडियोग्राफर में देख सकते हैं। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर रहना चाहिए। AICT से अप्रूवल इंस्टीट्यूट रहना चाहिए। +2 साइंस और इक्विवेलेंट DMRT रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन ओडिशा HSC सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट फोटो एंड ID प्रूफ, वोटर ID, आधार, पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दिया गया है। दो रिक्वायरमेंट शैल बी गिवन फॉर लेबर ESI डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन
स्पेशल इंसेंटिव COVID-19 के लिए स्पेशल आपको किया जा रहा है इंटरव्यू। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, दो सिलेक्शन विल बी मेड शॉर्टली ऑन मार्क्स रिक्वायर्ड एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ओनली। यहाँ आप देख सकते हो उसके बाद इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। टू सेल्फ अटेस्टेड फोटो, रिसेंट फोटो कॉपीज रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड इक्विवेलेंट प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो रेसिडेंट नेटिविटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट, ST ST है तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ लाइक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सर्टिफिकेट ऑन कॉन्वर्सेशन 0% मार्क इफ एनी सर्टिफिकेट और AICTE UGC यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो इस तरह से पूरा फुल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू डेट आपको यहाँ दिया जा रहा है, उसके बाद वेन्यू भी आपको मिल जा रहा है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।